राजस्थान में इन दिनों गुज्जर समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, वहीं जिस वजह से राजस्थान सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें, गुर्जर समाज के प्रमुख ने कहा कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि पिछली बार 5% आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब जो गुर्जर समाज की मांग है वह संविधान संशोधन करके ही पूरी हो सकती है। यह बात गुर्जर नेता बेंसला को समझनी चाहिए, इसलिए उनका आंदोलन करना समझ से परे ही। ये बात अशोक गहलोत ने कही। वैसे आपको बता दें, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए घेरा। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये कि गुर्जर समाज के लोग अशोक गहलोत की बात मानते हैं या नहीं। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।